की आवाज खबर 7C खबर। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए दिखाते उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया कि वह मतगणना केंद्र पर सभी कोरोना से बचाव संबंधित नियमों का पालन कराएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यूपी पंचायत चुनाव को रविवार को होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह खबर हैरान करने वाली है लेकिन सच है। अगर आपको कोरोना वैक्सीन लगी है तब भी आप अपने आप को सुरक्षित न समझें। कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद भी बहुत लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं और कई लोग की मौत भी हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर इसके कई मायने लगा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि वैक्सीन 100% सुरक्षित नहीं है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप इसके चपेट में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान भी संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल सीतापुर कारागार में सांसद समेत कुल 13 बंदियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यूपी में आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का 7 जिलों में टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीकाकरण अभियान का जायजा लेने के लिए लखनऊ के गोलागंज स्थित अवंती डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे। यहां टीका लगवाने वाले युवाओं से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। कांग्रेस के यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत की प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया है। वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन करीब 1500 से अधिक मरीजों रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहने की सलाह दे रहे हैं। इधर शनिवार को मिली 4150 सैंपल रिपोर्ट में अलग अलग जगहों से कुल 853 नए मरीज में कोरोना की पुष्टि की गई है। वाराणसी में कोरोना वायरस के संक्रमण के कहर से दीवाने कचहरी में भी अछूता नहीं है। बीते अप्रैल माह में 30 अधिवक्ताओं की मौत से उनके साथियों में भय का माहौल व्याप्त है। इस 30 अधिवक्ताओं में से 90% ऐसे हैं जिनकी मौत की वजह कोरोना वायरस का संक्रमण था। अधिवक्ताओं की मांग है कि उनके जो भी साथी इस महामारी में अपनी जान गंवाए हैं, प्रदेश सरकार उनके परिजनों को आर्थिक मदद दे। बहराइच के रुपेहडीहा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोलापुर के ग्राम बजरंगिया में एक विवाहिता ने गोद में 2 बेटियों को लेकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है।